नेक्स्ट जो वेरिएबल हमारे पास 1.4 रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1.4 रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सब हमने इसको लिखना है इनको ये नीचे दी हुई अमाउंट जो होती है हमारे पास क्वांटिटी इनको लिखना है जी फर्स्ट हमारे पास है 1168 इनटू 10 जिसकी पावर माइनस 27 तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या है कि हमने पॉइंट को जो है शिफ्ट करना है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो सो इसका पॉइंट जो है हमारे पास नजर नहीं आ रहा हमारे पास सामने नहीं है इसका पॉइंट लास्ट पे है इधर से तो आगे हमने यहां पे शिफ्ट करना है 1 के बाद लेफ्ट साइड से 1 नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है तो 1 के बाद जो है वो पॉइंट शिफ्ट हम करेंगे तो इसलिए आपसे जो है हमारे पास ये बोर्ड बन जाएगी 1.168 इनटू 10 इसकी पावर यहां से हम पहले यहां पर रखेंगे तो मेरा डिजिट जो है 1 2 3 तो 3 डिजिट आ जाएंगे इनटू 10 इसके बाद -27 तो क्योंकि बेस सेम है हमारे पास है तो इसलिए आप जो है पावर जो है वो हम ऐड कर देंगे तो 1.168 इनटू 10 इसकी पावर है -24 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास है आ जाएगी उसके बाद हमारे पास बी वाला पार्ट बी वाला इसका पार्ट है 32 इंटू 10 इसकी पावर 5 तो इसका भी पॉइंट हमारे पास जो होता है वो सामने नजर नहीं आ रहा तो 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है तो इसको शिफ्ट करते हैं साथ ही हम इंटू 10 इसकी पावर 1 इंटू 10 इसकी पावर 5 क्योंकि बेस सेम है तो इनको हम जो होता है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 3.2 इंटू 10 इसकी पावर 6 आ जाए जी सी वाला पार्ट बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है 7 टू 5 इंटू 10 इसकी पावर माइनस 5 के जी ठीक है इसके अंदर आपने प्रीफिक्स को जो है वो चेंज नहीं करना आपने ना प्रीफिक्स को ओपन करना ना उसकी वैल्यू को आपने लगानी है आपने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी बता दी यहां देखिए इसका 0.5 के बाद है यहां से करेंगे यहां पे तो इसका बन गया हमारे पास 7.25 इंटू 10 इसकी पावर माइनस 5 के जी उसके बाद 7.25 सॉरी ये हम इसका एक्सपोनेंट नहीं लिखा इधर ये लिख लेते हैं इनटू 10 इसकी पावर 12 इनटू 10 इसकी पावर माइनस 5 के जी तो क्योंकि इनकी जो सी है वो बेस सेम है 2 माइनस 5 के जी तो 7.25 इनटू 10 इसकी पावर माइनस 3 के जी आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 डी वाला पार्ट है हमारे पास इसका 0.02 into 10 to the power 8 ठीक है अच्छा जी इसका पॉइंट देखिए हमारे पास नजर आ रहा है लेकिन ये जीरो के दरमियान पॉइंट आ रहा है ना जीरो वन नाउ जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए फर्स्ट नाउ जीरो डिजिट के बाद तो फर्स्ट नाउ जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से आता है 2 है तो यहां पे पॉइंट जो है इसका मौजूद होना चाहिए तो 2 इनटू 10 टू द पावर पीछे से शिफ्ट करा दें 1 2 और पीछे से आगे की तरफ लेके आ गए तो माइनस ठीक है पावर जो है माइनस है इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो 2 इनटू 10 टू द पावर बेस सेम है पावर जेड हो जाएगी तो 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ क्लियर है ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो है ये की स्टैंडर्ड फॉर्म थी नेक्स्ट हमारे पास जी नेक्स्ट हमारे पास 1.5 है फाइंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1.5 है इनको भी हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है प्रीफिक्स पे आ रहा है यूज नहीं करेंगे हम इसके अंदर जो उनके साथ अवेलेबल होंगे वो ही यूज करेंगे जी इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास 6400 किलोमीटर तो इसका हमने पॉइंट को सभी चीज में करना है लास्ट से करेंगे 6 के पास तो ये आ जाएगा 6.4 इनटू 10 इसकी पावर है 1 2 3
3 किलोमीटर, बस जस्ट इतना ही ऑप्शन था इधर काम करना है। बी वाला इसका हमारे पास है 380000 किलोमीटर जी। इसका भी पॉइंट इसी तरह हमने शिफ्ट करना है, यहां से आगे 1 नाम से कितने के बाद 3 के बाद बाद में सब करना 3.8 × 10⁻³ की पावर 1 2 3 4 5 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो सी वाला इसका पार्ट हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड जी। इसका भी इसी तरह हम जीरो जो वो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3 के बाद आफ्टर 3 आफ्टर 1 नाउ जीरो डिग्री 3 × 10⁻⁶ की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टी वाला जी। ये मैंने पीछे आपको बता दिया सेकंड्स इन डे, तो मैंने आपको बता दिया पीछे तो वन डे जो सब वही पर होगा हमारे पास 24 hours 60 minutes and 60 seconds तो 86400 seconds में होगा ये ठीक है। ये पीछे आपको मैंने बताया तो ये इसी तरह एक घंटे में जो होता है एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है 86400 ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद अगर अब इसका पॉइंट जो था वो आपने शिफ्ट करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे है और एट के बाद शिफ्ट करेंगे 1 0 डिजिट के बाद जो था वो हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8.64 × 10⁴ सेकेंड ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसका आंसर ठीक है क्लियर हो गया जी। इसके बाद जो है हमारे पास अब नेक्स्ट वेरिएबल है ये नेक्स्ट वेरिएबल वेरिएबल नंबर 1.6 और क्लोजिंग का जब आप पढ़नी है कैलिबर जब आप पढ़नी है कैलिबर का जब आप क्लोज कर देते हैं डेटा में लिख रहा हूं मैं ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों जॉज को पहले क्लोज करके देखते हैं कि जीरो जो होता है वो वर्नियर स्केल का और उसके बाद जो मेन स्केल का जीरो है वो आप कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर वो दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं इट्स मीन दैट देयर इज नो जीरो एरर अगर तो अगर वो आगे पीछे है लेफ्ट राइट जो सा जीरो है किसका सर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट है या राइट है किसकी मेन स्केल के जीरो से तो फिर जो सा वो हमें चेक करना होता है कि एरर जो सा वो कौन सा आ गया है। देखते हैं जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू द मेन स्केल कि जीरो जो सा वर्नियर स्केल का वो राइट साइड पे आ गया किसके मेन स्केल से साइड द एट फोर्थ टू बिगिन ऑफ द वर्नियर स्केल पॉइंट साइड विद वन ऑफ द मेन स्केल टू ये देखिए जीरो जो सा वर्नियर स्केल का जो सा वो राइट साइड पे आ गया किसके मेन स्केल के जीरो से इधर से तो हमें पता लग गया कि एरर जो सा वो पॉजिटिव हो गया क्लियर है। जीरो जो होता है वो वर्नियर स्केल का वो क्या हो गया राइट साइड पे हो गया किसके मेन स्केल के जीरो से तो एरर जो होता है वो पॉजिटिव हो गया। अब हमने वो जीरो चेक करना होता है मेन स्केल का वो कौन सी डिवीजन के ऊपर जो है वो किस डिवीजन के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है ठीक है। अगर वो जीरो पॉइंट स्केल के जीरो के साथ वर्नियर स्केल का जीरो मीट नहीं किया तो अब हमने उस मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर से चेक करना होता है कि जीरो कहां पे जो है वो लाई कर रहा है कहां पे किस डिवीजन पे आ रहा है तो ये फोर्थ डिवीजन के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास हम देख सकते हैं इधर इसका आंसर ही है हमारे पास है तो सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे हैं इसका देखिए सॉल्यूशन ही है इसका हम बताएंगे इसे जी एस ओ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the right side of the main scale ठीक है so error occur is positive and it's second correction भी निकाल लिया it's in zero correction is a
नेगेटिव, ठीक है, एरर जब पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास है नेगेटिव होगी। तो लीस्ट काउंट जो है हमारे पास इसका दिया हुआ है वो 0.8 है, हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर जो है हमारे पास है इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 मिलीमीटर, तो अगर इसको हम सेंटीमीटर पे लेके जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास है आ जाएगा। तो इस लिहाज से मैं जीरो एरर जो होता होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में, क्योंकि फोर्थ के भी है ना, तो 0.01 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। एरर पॉजिटिव हो गया और जीरो करेक्शन जो सी होगी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, जीरो करेक्शन जो सी होगी इसी को सेम लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। इस तरह जो है हमारे पास पता लग जाएगा कि वो फोर्थ डिवीजन के ऊपर लाइक आ रहा था, तो फोर्थ डिवीजन जो है वो हमने फोर्थ को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, मेन स्केल के फोर्थ के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और करेक्शन जो है वो नेगेटिव में हमारे पास जो है वो आ गया।